हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फाइनली वो दिन आ गया है जब ज़ियाना एक साल की हो गई है, और आज मुझे सब कुछ वापस से याद आ रहा है कि इस वक्त लास्ट ईयर मैं हॉस्पिटल में थी और नेक्स्ट डे मॉर्निंग मेरी सर्जरी होने वाली थी। ज़ियाना सी सेक्शन से हुई है, जैसे कि आप सब जानते हैं। मुझे प्लासेंटा कैल्सिफिकेशन हो गया था, तो मुझे डॉक्टर ने बोला था कि सी सेक्शन करना पड़ेगा, तो इसीलिए ज़ियाना सी सेक्शन से हुई है। लेकिन मुझे याद है कि इस वक्त मैं बिल्कुल नर्वस नहीं थी। इनफैक्ट मैं मैच देख रही थी, वर्ल्ड कप चल रहा था, और जब ज़ियाना हुई थी, जब पहली बार डॉक्टर ने मुझे ज़ियाना को दिखाया था, तो मैं इतना ज़ोर से रोई थी क्योंकि मैं डॉक्टर को बोली, डॉक्टर ये तो बहुत छोटी सी, क्योंकि ज़ियाना 8th month में हो गई थी और उसका वेट उस वक्त 2.9 kgs था। और शी वॉज तो वो डॉक्टर ने लिटरली एक हाथ में इस तरह मुझे पकड़ के ज़ियाना दिखाई थी, और मैं ऐसे मैं बहुत ज़ोर से रोई थी कि तो बहुत वीक है, बहुत छोटी सी है। बट पहली बार जब मैं सबने उसको उठा लिया था गोदी में, लेकिन मैं उसको उठा नहीं पाई थी। सबसे लास्ट मैंने उसको गोदी में उठाया था, दीदी ने उसे उठा, सबने नहीं मतलब दीदी ने, राजीव ने, सबने उसको गोदी में उठा लिया था एक बार, लेकिन मैं मेरी सर्जरी हो रही थी तो मैं बस वेट कर रही थी कि मैं कब यहाँ से निकलूँगी, क्योंकि मुझे स्टिचेस लग रहे थे। तो मैं लेट ज़ियाना के पास पहुँची, तो जब मैं पहुँची तो मतलब मैं तड़प रही थी ज़ियाना को अपने हाथ गोदी में लेने के लिए, क्योंकि जब ज़ियाना को डॉक्टर ने जब मुझे दिखाया था तो मेरे दोनों हाथ बंधे हुए थे, मेरी सर्जरी चल रही थी तो मेरे दोनों हाथ बंधे हुए थे, तो मैं ज़ियाना को टच भी नहीं कर सकी थी। बस मैंने, डॉक्टर ने मुझे दिखाया तो मैंने ऐसे किस किया था ज़ियाना को, मैं तड़प रही थी उसको अपने हाथों में लेने के लिए। और जैसे ही मैं वहाँ पहुँची, मैंने कहा ज़ियाना को जब मैंने अपने हाथों में लिया, आई कांट एक्सप्रेस द फीलिंग। मैं नहीं बता सकती कि उस वक्त मुझे कैसा फील हो रहा था। अभी मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैंने एक बच्ची को जन्म दिया है, और मतलब मेरी बेटी होगी वो मुझे माँ बोलेगी, सो वो फीलिंग मैं कभी किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। वो बहुत ही अमेजिंग फीलिंग थी, और आई एम श्योर आप में, आप हर माँ जो इस वक्त ये वीडियो देख रही होगी, वो हर एक माँ इस फीलिंग से गुजरी होगी, हर एक माँ ने एक्सपीरियंस किया होगा। मेरा हर दुनिया की हर माँ को मेरा सलाम है, क्योंकि एक बच्चे को जन्म देना, उसे पालना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। और आज मैं चाहे कितनी भी तकलीफ़ में हूँ, चाहे मैं कितना भी अंदर से सैड फील कर रही हूँ, एक ज़ियाना को एक झलक देख लेती हूँ ना, तो मैं सब भूल जाती हूँ। और लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही हूँ, लेकिन ज़ियाना को देख के मैं स्माइल कर पाती हूँ। बेसिकली मेरी स्माइल का रीज़न ज़ियाना है। तो ज़ियाना का फर्स्ट बर्थडे, वो ज़ियाना की हर पहली चीज़, जो भी पहली चीज़ें, ऑल द फर्स्ट आर वेरी स्पेशल। पहली बार जब ज़ियाना मैंने उसको गोद में उठाया था, पहली बार जब ज़ियाना ने मुझे देख के स्माइल किया था, पहली बार जब वो बैठी थी, पहली बार जब वो क्रॉल करने लगी थी, पहली बार जब उसने कुछ बोला था, पहली बार जब उसने माँ बोला था, वो हर पहली चीज़ बहुत स्पेशल है, बहुत, इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट। मैं वो हर मोमेंट, मैंने एक डायरी में डेट के साथ लिख के रखा है, जब पहली बार जब ज़ियाना ने कुछ किया था, तो जब भी पहली बार वो कुछ करती है तो मैं डेट के साथ डायरी में लिख लेती हूँ, और अब तक सब कुछ लिखा है। पहली बार जब ज़ियाना खड़ी हुई थी, अब जब ज़ियाना पहली बार चलने लगेगी तो वो भी लिखूँगी। ज़ियाना की हर वो पहली चीज़ नोटिस करते करते ये एक साल कब गुजर गया पता ही नहीं चला। हर दिन मैं कुछ नया कर रही थी, हर दिन कुछ नया देखने को मिल रहा था। ज़ियाना ने एक्चुअली मुझे सिखाया है कि व्हाट ट्रू लव इज, अनकंडीशनल ट्रू लव क्या होता है, वो मुझे ज़ियाना ने सिखाया है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो मैं रेडी हो चुकी हूँ, मेरी प्यारी सी नन्ही सी बच्ची का फर्स्ट बर्थडे है एंड आई एम सुपर एक्साइटेड। और मेरी जो बच्ची है ना, वो भी रेडी हो रही है,
और जैसे ही वो रेडी हो जाएगी वो मेरे सामने रेडी हो रही होती है, बहुत ही क्यूट लग रही है। तो थोड़े बस गिव मी 5 मिनट्स, शिल बी रेडी, और मैं आपको बताती हूँ कि आखिर वो लग कैसी रही है, बर्थडे गर्ल आखिर कैसी लग रही है। सो स्टे ट्यून्ड। सो ये हमारी बर्थडे गर्ल रेडी हो गई है, कैसी लग रही है, क्यूट ना। सो कल रात को मैंने कुछ पोस्ट डाले थे, आप लोगों ने ज़ियाना को बहुत सारे विशेज और बहुत सारे ब्लेसिंग्स दिए, उसके लिए मैंने सोचा ज़ियाना खुद आपको थैंक यू बोले। ज़ियाना से थैंक यू टू एवरीवन, स्माइल करके बोल दो। आपका बर्थडे है, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे सब बोलेंगे। दादा से के दादा के पास जा रही हो क्या? दादा इज वेटिंग फॉर यू।